इंतहाई अहमियत का हामिल है, इंतहाई खुश आइंद है और इंतहाई बोल्ड और करेजस ऐलान है, क्योंकि एक तो बदकिस्मती से इस हवाले से माजी में कुछ गलत रिवायतें कायम हुई हैं और किसी आर्मी चीफ ने 10 साल गुजारे, किसी ने 6 गुजारे, किसी ने उससे भी ज्यादा गुजारे, और इस वक्त जो लोग आर्मी चीफ को और आर्मी के इंस्टीट्यूशन को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं या उनके मोराल को मुतासिर करना चाहते थे, उनकी तरफ से ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि शायद जनरल राहिल शरीफ भी अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसी के ख्वाहिशमंद है। ये न सिर्फ ये कि फौज के अंदर मोराल को खराब करने का बायस बन रहा था, बल्कि सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान गलतफहमियों का भी जरिया बन रहा था। तो अभी जो कि काफी अरसा बाकी है उनकी मुलाजिमत में, लेकिन उसके बावजूद मखसूस अनासिर की तरफ से मीडिया में भी ये बहस शुरू करवाई गई और सियासी हलकों में भी ये बहस शुरू करवाई गई, लेकिन आज उन्होंने जिस सफाई के साथ इस हवाले से बयान दे दिया है, तो मेरे ख्याल में वो सब उन साजिशी अनासर के मुंह पे एक तमाचा साबित हुआ है। न सिर्फ ये कि उनका इमेज मजीद बेहतर होगा, बल्कि जो फौज की इस वक्त टॉप के लोग हैं और सिपाही तक, उनका मोराल भी बूस्ट होगा। सीनियर तजियाकारों की आरा